नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का भी वीडियो जो है ये एक ऑन डिमांड वीडियो है, जो कि कुछ सब्सक्राइबर ने कॉमन कंप्लेंट के बारे में कुछ रिक्वेस्ट की है, तो ये हम उसके बारे में बना रहे हैं, जो कि है फ्लैचुलेंस या फिर गैस की प्रॉब्लम। एक सब्सक्राइबर लिखती है, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, कि मेरा पेट में बहुत गैस है, क्या करूँ। 36 ईयर फीमेल मुकुल सिन्हा जी, गैस प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। ये मुकुल सिन्हा जी का कमेंट है। राहुल देमरी, फ्लैचुलेंट पर वीडियो बनाइए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ्लैचुलेंस का जो प्रॉब्लम है, ये बड़ा ही मतलब प्रॉपर्टी मतलब इसकी आबादी के अंदर जो है, ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। और इसलिए इतने सारे कमेंट्स में देखने के बाद मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाएं। और वैसे भी ये टॉपिक जो है ऑलरेडी अवेटेड था कि इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी था, पर अब क्योंकि दिमाग में आया नहीं अब तक, तो शाउट आउट तो आप सभी लोगों को कि आपने मुझे याद दिलाया कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। और मेरे बाकी दर्शकगण से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक मेडिसिन की फील्ड में किसी टॉपिक के ऊपर कुछ जानना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक फील्ड में वीडियो को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए, आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। प्लस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ उसको अपने दोस्तों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मित्रों के साथ आप शेयर भी करें, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं कि अब हम बात करने वाले हैं आज गैस के बारे में, फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस क्या है? मेडिकल टर्म है गैस के लिए, तो फ्लैचुलेंट प्रॉब्लम बोलते हैं, गैस बोलते हैं साधारण शब्दों में। एयर, जब पेट के अंदर एयर हवा बनती है, गैस बनती है, तो उसके लिए हम उसका डिस्कशन करेंगे आज। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द फ्लैचुलेंस, गैस है क्या। गैस इनडाइजेशन का एक मैनिफेस्टेशन है। इनडाइजेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है, मतलब इनडाइजेशन मतलब अपच, खाना न पड़ना पचना, या फिर जिसको बोलते हैं हम डिस्पेप्सिया। तो जो इनडाइजेशन और डिस्पेप्सिया, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, ये बहुत ब्रॉड है, इसके कई मैनिफेस्टेशन है। कहने का मतलब जैसे कि अब जिस बारे में ये वीडियो है कि किसी को इनडाइजेशन होगा तो उसको गैशियस प्रॉब्लम हो सकता है, गैस बन सकती है, फ्लैचुलेंस बनती है ना। कई लोगों को इनडाइजेशन होता है तो उनके अंदर एसिडिटी होती है। एसिडिटी क्या है? यहाँ पे जलन पड़ती है, क्योंकि पेट में जो एसिड होता है वो एसिड ज़्यादा मात्रा में बनता है और वो एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स करता है, तो हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन पड़ती है, इसको हम एसिडिटी बोलते हैं। कई लोगों को गैस बनती है तो उनके अंदर प्राइमरी मैनिफेस्टेशन कॉन्स्टिपेशन के रूप में होता है, कि वो ऑलवेज कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उनको मोशन जाने में मज़ा नहीं आता। कई लोगों के अंदर इनडाइजेशन अपने आप को डायरिया के रूप में प्रदर्शित करता है ना। कई लोगों के इंडाइजेशन होता है तो उन लोगों को इरेक्टेशन होती है, कॉन्स्टेंटली बेल्चिंग मतलब इरेक्टेशन, डकारें आती रहती हैं, एकदम एम्प्टी इरेक्टेशन, खाली डकारें आती रहेंगी, वो बिल्कुल गड़गड़ाते ही रहते हैं वो लोग। तो कहने का मतलब है कि जो इंडाइजेशन है वो बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत ज्यादा ब्रॉड विस्तृत टर्म है। और ये एक इंडाइजेशन के हेडिंग के नीचे 500 प्रॉब्लम आती है पेट की, आप ये समझ लीजिए 500 प्रॉब्लम के। इंडाइजेशन को बहुत कठिन है समझना, इसके ऊपर एक एक जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर एक एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे तो इंडाइजेशन कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसी इंडाइजेशन का एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन जो कि है गैस या फ्लैचुलेंस के रूप में, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो व्हाट इज गैस? गैस मतलब हवा। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि पेट के अंदर हवा कहाँ से आएगी, कहाँ से आती है ये एयर, है ना। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज की सड़न होती है, सड़न मतलब डीकम्पोजिशन होता है, फर्मेंटेशन होता है, तो जब भी कोई जैसे ढोर जानवर मर जाते हैं ना, तो उससे कैसी गैस निकलती है, कैसी स्मेल आती है, मिथेन की स्मेल बोलते हैं उसको। या फिर आप देखा होगा जो सड़ी हुई नालियां होती हैं, उसके आसपास कई नालियों के अंदर आग भी लग जाती है, वो कहां से? उसके अंदर से मीथेन निकलती है। तो मीथेन मतलब जो मीथेन मतलब, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि अपने गैस अपने पेट में मीथेन बन रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको वो सिनेरियो क्लियर कर रहा हूं कि किन कंडीशन में गैस बनती है। तो वेन एवर देयर इज एनी डीकम्पोजिशन ऑफ एनीथिंग, जब भी कोई डीकम्पोजिशन सड़न की प्रक्रिया कहीं पे भी चालू रहेगी, तो उसके एज ए फलस्वरूप, एज ए रिजल्ट गैस बनती है।
उसी तरह से ऊपर वाले ने हमारे शरीर के अंदर एक टाइमिंग हर चीज का सेट करके रखा। हमारी बॉडी के अंदर एक सर्केंडियन रिदम होता है। सर्केंडियन रिदम का मतलब एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी में फिट है और हमारी बॉडी सारे के सारे काम उस क्लॉक के हिसाब से करती है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर ऊपर वाले ने खाना खाने से लेके और खाने को पॉटी से रिलीज करने के बीच में टाइम डिसाइड करके रखा है कि अगर वो काम पूरा खाने से लेके पॉटी जाने तक का वो अगर जैसे मैंने कुछ खाया वो मेरे को पचा, उसको मैंने एब्जॉर्ब करा, फिर वो फीसेस में तब्दील हुआ, फिर वो रेक्टम में आके इकट्ठा हुआ और बंदे ने जाके उसको मोशन में डिस्चार्ज कर दिया। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है इसका एक स्टैंडर्ड टाइमिंग डिसाइडेड है हमारे शरीर में। वो टाइम डाइजेशन डिसाइड करता है कि खाना हमको कितनी देर में पचता है। तो अगर वो चीज उस स्पेसिफिक ऊपर वाले के डिसाइडेड टाइम के अंदर होगी तो देयर विल बी द नो फॉर्मेशन ऑफ गैस, क्योंकि वो खाना सड़ ही नहीं पाएगा। उसके पहले ही वो फीसेस के रूप में तब्दील होके अपने सारे कामों को अंजाम देके वो पॉटी के थ्रू दुनिया के बाहर निकल जाएगा, इस शरीर के बाहर निकल जाएगा। पर जब ये जो ट्रांजिट है, ये जो एक स्टैंडर्ड टाइम ऊपर वाले ने डिसाइड करा है जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डाइजेशन, कि कितने समय में खाना पचना, एब्जॉर्ब करना और रिलीज करने का जो पूरा प्रक्रिया है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द टाइम ऑफ डाइजेशन। जब ये टाइम ऑफ डाइजेशन बढ़ जाता है कई लोगों के अंदर, तो उसके फलस्वरूप आंतों के अंदर, खासकर बड़ी आंतों में और छोटी आंत के एंड का हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन का एकदम एंड का पार्ट प्लस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खाना बहुत देर तक मल पड़ा रहता है। वो खाना नहीं है, वो मल बन चुका है ना, क्योंकि एक बार खाना हमने खाया, वो खाना थूक वगैरह मिलके सलाइवा और एंजाइम्स मिलके वो खाना एक लिक्विड फॉर्म में तब्दील होता है। फिर बॉडी उसको क्या करती है, उससे पोषक तत्वों को, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को एब्जॉर्ब करती है। फिर वो अंत में लेटर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते वो एब्जॉर्प्शन के बाद वो मल बन जाता है। और ये मल जब हम डिस्चार्ज कर देते हैं तो देयर विल बी द नो गैस। पर जब ये जरूरत से ज्यादा समय तक आंतों के अंदर पड़ा रहेगा तो उसके वहां पड़े रहने से गैस बनती है, फर्मेंटेशन हो जाता है उसका। और वही फर्मेंटेशन के कारण जब आंतों में फर्मेंटेशन चलता है तो वो आंतों के जो लूप होते हैं, अब आपको सबको पता है आंतों की लंबाई 7 मीटर होती है, मतलब रफली 20-22 फीट। अब 20-22 फीट में कोई एक फीट के हिस्से में आपका खाना पड़ा है, या मल बोल लो तो मल पड़ा है, फिर उसके बाद उसके एक फीट के हिस्से में गैस फंस गई, फिर भोजन या मल का पैच आया, फिर गैस आई। तो जो गैस ट्रैप हो जाती है आंतों के बीच में, यही गैस, इसी को हम बोलते हैं फ्लैचुलेंस और इसी को हम बोलते हैं गैस। और ये गैस क्यों बनी है, ये गैस बनी है क्योंकि हमारा डाइजेशन का टाइम शरीर को ज्यादा लग रहा है, मतलब हमारा डाइजेशन खराब है। और जब शरीर जरूरत से ज्यादा समय तक इन सब चीजों को आंतों में रखेगा मल के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं गैस बनाएगा और वही गैस बीच बीच में आंतों के छोटे छोटे लूप्स में ट्रैप हो जाती है और वही हमको रियलाइज कराता है कि यार वी आर फॉर्मिंग द गैस, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमने गैस समझा कि ये भैया फ्लेचुलेंस और गैस होती क्या है। अब हम जाएंगे इसके 3 मैनिफेस्टेशन पे कि कैसे वी रियलाइज, हाउ वी रियलाइज कि यार वी आर हैविंग द गैस, हमको फ्लेचुलेंस का प्रॉब्लम है, ये हमको कैसे रियलाइज होता है। ये बेसिकली इसके जो मोटे तौर पे 3 तरीकों से होता है। सबसे कम खतरनाक से हम चालू करेंगे या सबसे कम तकलीफ देने वाले तरीके से हम फिर ऊपर चलेंगे, थोड़ा ज्यादा तकलीफ देने वाला और फिर सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला। 3 तरीके है, 3 तरीके से पता चलता है। पहला, पर एनस, मतलब रेक्टम से फार्ट के रूप में, मतलब गैस के रूप में, फ्लेचुलेंस के रूप में हवा का निकलते रहना, ठीक है ना। ऐसे हमने कई अपने परिवार में लोग देखे हैं कि वो बड़े बिंदास होते हैं इस मामले में और वो कहीं पे भी गैस पास कर देते हैं। तो वो जो गैस पास होती है अगर वो जरूरत से ज्यादा है तो दिस इज एन इंडिकेशन कि हाँ भाई वी आर हैविंग द गैस, हमको गैसियस स्ट्रगल का प्रॉब्लम है। पर आप इस तरीके में समझे क्योंकि गैस बन रही है प्लस रिलीज भी होती जा रही है। ये लोग बिंदास गैस को कहीं पे भी रिलीज करते रहते हैं, उनको कोई ऐसी विशेष तकलीफ नहीं होती और फिजिकली भी इनको कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि गैस ट्रैप नहीं हो पा रही है। गैस बनती है और ये लोग छोड़ते रहते हैं, गैस बनती है और ये लोग छोड़ते रहते हैं। तो एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ फ्लेचुलेंस एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द फ्रिक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस, फ्लेटस का डिस्चार्ज होता रहता है, ये पहला तरीका। इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है ना। दूसरा तरीका होता है ब्लॉटिंग, जब ये गैस ट्रैप हो जाती है एब्डोमेन में, मतलब ये ना ऊपर आएगी
नहीं नीचे जाएगी, बस ये ट्रैप है। तो इन दैट केस द पेशेंट फील्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन का डिस्टेंशन मतलब एब्डोमेन फूल जाएगा इसका, और फूलने के साथ साथ इसको हैवी हैवी लगेगा, पूरे पेट में भारी लगेगा इसको। इसको ऐसी इच्छा बार बार होगी कि मैं अपना वेस्ट को मतलब अपना बेल्ट को ढीला कर लूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेल्ट के प्रेशर से इसको प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर तो गैस फंसी हुई है। तो ये दूसरा मैनिफेस्टेशन है कि ब्लॉटिंग होती है, डिस्टेंशन होता है। और अगर रिपर्टरी की लैंग्वेज में बात करें तो टिम्पेनिटिक कंडीशन ऑफ एब्डोमेन होती है। टिम्पेनिटिक मतलब डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन हो गया, पेट फूल गया, गैस से पेट फूल गया। जब ये थोड़ा सा और ज्यादा होता है ये पेट का फूलना, तो मैंने जैसा कि बताया कि ये दूसरा तरीका है जिससे आपको पता चलता है कि आपको गैस है। और ये दूसरे नंबर पे होने के साथ साथ पहले वाले नंबर से थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ देह होता है। इसमें ये होता है कि कई बार डिस्टेंशन इतना होता है कि पेशेंट को डाइजेशन भी खराब होता है, प्लस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है कि पेट फूलता है ना, तो इतना पेट फूलता है कि कई बार उसको सांस लेने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ही हैज टू मेक सम एफर्ट, उसको कुछ एफर्ट डालना पड़ रहा है, सांस बराबर हो नहीं रही है ना। तो ये दूसरा तरीका हो गया जो जिससे हमको मैनिफेस्ट होती है, जिससे हमको पता लगता है कि हमको गैस बन रही है। और जो तीसरा तरीका है और सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला, सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस पैदा करने वाला, वो ये है कि ये गैस जो है ना वो इतनी ज्यादा मात्रा में बनी और इतनी फर्मेंटेड है। अब एक चीज बताता हूं आपको कि फर्मेंटेड जो गैस होती है वो हल्की होती है, जो गर्म हवा होती है ना। अब आपको पता है कि जो गैस पास होती है उसका गर्म हवा से रिलेशन है, कई लोग मजाक में भी बोलते हैं गर्म हवा गर्म हवा गर्म हवा। गर्म क्यों है? क्योंकि वो फर्मेंटेशन का रिजल्ट है। और जब जितना ज्यादा फर्मेंटेशन होगा वो हवा उतनी गर्म होगी और उतनी हल्की होगी। और हल्की और गर्म होने के कारण वो, अब तीसरा केस क्या था, पहला केस था नीचे से पास हो रही थी, कम से कम चलो खुदा का करम था कि पास हो रही थी, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। जो दूसरा तरीका था, जो दूसरा मैनिफेस्टेशन था कि वो फंस रही थी तो पूरा पेट फूल रहा था, पर तब भी डिस्ट्रेस थोड़ा ही हो रहा था कि हल्की फुल्की सांस में समस्या। और तीसरा सिनेरियो है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, इसको आयुर्वेद में बोला गया अपान वायु। अपान मतलब ऊपर की तरफ चढ़ने वाली हवा, और हमेशा गर्म हवा फर्मेंटेड एयर ही ऊपर की तरफ चढ़ती है। और जब ये ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो देयर इज रियली अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। ये पूरी हवा सीने में चलेगी, पूरा डायफ्राम को नीचे से प्रेस करती है। ये डायफ्राम है हमारी, ये हमारा चेस्ट है, ये थोरक्स है, ये एब्डोमेन है, बीच में डायफ्राम है। और डायफ्राम के अंदर ये जाकर घुस जाती है, डायफ्राम को ऊपर की तरफ प्रेस करती है, और डायफ्राम इन रिटर्न ये लंग्स को प्रेस करती है। और ये पूरी हवा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करती है, और वो प्रेशर रियली में सांस लेने में समस्या पैदा करता है। ये लोग सांस नहीं ले पाते जब तक इनको, व्हेनेवर दे आर इन सच अ कंडीशन, इनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। और कई बार पल्पिटेशन भी आते हैं उनकी, कम से कम कई बार दिल की धड़कने भी बढ़ जाती है। तो ये तीसरा मैनिफेस्टेशन था, और ये तीनों बहुत फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं। मैं समझता नहीं हूँ कि शायद कोई भी बंदा होगा जिसको, जो वीक में कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं फ्लैचुलेंस को वो फील करता ही होगा, क्योंकि आज की तारीख में इनडाइजेशन इस मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है। और मैं समझता हूँ हर आदमी इनडाइजेशन का कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन झेल रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, टीनेजर्स हों, मिडिल एज मेन और वुमेन हो, या फिर बुजुर्ग लोग, है ना। तो हमने ये देखे तीन प्रकार के मैनिफेस्टेशन। अब मैं कुछ बातें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। पहला, मेरा एक वीडियो है स्प्लेनिक फ्लेक्चर सिंड्रोम के ऊपर, आप चैनल पे जाएंगे, चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं वो दिखेगा। बहुत ही पॉपुलर वीडियो है और आप सब ने बहुत ज्यादा पसंद करा है उसको। उसका जो वीडियो का लिंक ऊपर मैं कार्ड में दे रहा हूँ, आप उसको भी जाकर के देखिए, क्योंकि वो भी गैस के कारण होने वाली एक समस्या है। जब हमारा ये कोलोन होता है ना, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, तो जो कोलोन जब भी मुड़ता है तो यहाँ पे फ्लेक्चर बनता है। तो ये क्योंकि लीवर का एरिया है तो ये यहाँ पे हिपेटिक फ्लेक्चर है, और ये ऐसा मुड़ के जाके नीचे मुड़ता है तो ये होता है स्प्लेनिक फ्लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन है। तो स्प्लेनिक फ्लेक्चर सिंड्रोम के साथ साथ हिपेटिक फ्लेक्चर सिंड्रोम भी होता है। और वो होता क्या है कि ये जो आंतों का टर्न है कोलोन का, इस कोलोन के टर्न पे गैस फंस जाती है। तो कई लोगों को हिपेटिक फ्लेक्चर में फंसती है, कई को स्प्लेनिक फ्लेक्चर में। तो स्प्लेनिक फ्लेक्चर सिंड्रोम पे एक वीडियो है, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको गैस का, फ्लेचुलेंस का एक और रूप अच्छे से पता चल जाएगा, और मेरे को इस वीडियो में उसको डिटेल में नहीं समझाना पड़ेगा। तो प्लीज
ऊपर लिंक है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं सीधा सीधा ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में जो तीन मेडिसिन है, देखिए तीनों साथ में लेनी है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो दैट इज द जनरल वीडियो, दैट इज द वीडियो ऑन द जनरल प्रॉब्लम ऑफ दिस गैस। तो ये जनरल वीडियो होने के कारण जो मेडिसिन बताऊंगा वो ऑलवेज वीडियोस के अंदर एक से ज्यादा होंगी, और सारी के सारी मेडिसिन पूरी सब लोगों को सेवन करनी है, ठीक है ना। तो पहली जो मेडिसिन है दैट इज चाइना, चाइना 30। चाइना 30 से आपको चार चार गोली दिन भर में तीन बार प्रयोग करनी है। दूसरी मेडिसिन है कार्बोवेज, कार्बोवेज 30 पोटेंसी में, इससे भी आपको चार गोली लेना है प्रत्येक दिन में तीन बार। और तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। तो ये तीनों मेडिसिन को एक के बाद एक 10-10 मिनट के अंतराल से दिन में दो से तीन बार आपको सेवन करना है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। अगर सालों से डिस्पेप्सिया है, सालों से इंडाइजेशन और फ्लेचुलेंस का प्रॉब्लम है तो कुछ महीने खा लीजिए, कुछ महीनों से है तो कम से कम कुछ हफ्ते खा लीजिए, और अगर कुछ हफ्ते भी से है तो आपको कुछ दिन तो इनको लेना चाहिए। इन तीनों दवाओं का आप सेवन करिए। और ये तीन दवाएं सबसे इंपॉर्टेंट गैस पे इसलिए हैं क्योंकि ये नैश का ट्रायल्स ऑफ फ्लेचुलेंस की तीन दवाएं हैं। नैश ने ट्रायल्स बताए हैं, नैश ने अपनी मटेरियल मेडिकास के अंदर तीन तीन टिकड़ी की जोड़ियां बताई हैं, दवाओं की तीन टिकड़ियां, जैसे कि ट्रायल्स ऑफ ये है, ट्रायल्स काय का है, ये फ्लेचुलेंस का है, तो चाइना कार्बोवेज लाइकोपोडियम। नैश ने बताया ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस, उसमें आर्सेनिक एकोनाइट और रेस्टॉक्स है। उसी तरह से नैश ने कई ट्रायल्स बताए हैं। तो दोस्तों ये दवाओं का आप सब लोग सेवन कर सकते हैं अगर आप खुद इससे ग्रस्त हैं, पर अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद। प्लस अगर आप खुद डॉक्टर हैं, आपके पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम है तो आप उनको दे सकते हैं। और मेरा चैलेंज है आपके पेशेंट और आप सब को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में, बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।